गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू यू ऑन चैनल बाजार के कुमार। तो हर रोज़ की तरह मैं फिर से एक ऑडेक स्विंग ट्रेडेड स्टॉक प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, तो जिसका नाम है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्टॉक। बहुत ही अच्छे क्वालिटी का स्टॉक है, नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। तो इसके पूरी एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, सही लेवल एंड टारगेट क्या होंगे उसके बारे में भी बात करेंगे, क्या ये स्टॉक बाय करना सही होगा या नहीं उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आप लोग को फ़ायदा हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देख रहे हैं कल की डेसिस की बात करें तो स्टॉक का हाई देखिए 84 का हाई था, और देखिए क्लोजिंग देखिए 83.10 के आसपास दिए, और मार्केट प्राइस देखिए चल रहा है 82.95 के आसपास। तो स्टॉक की बात की जाए तो 52 हाई देखिए तो 158.6 का हाई है, लगभग 50% डिस्काउंट में आपको स्टॉक मिल रहा है अभी भी। जी हाँ दोस्तों, अगर इसको शॉर्ट टर्म व्यू देखें, लॉन्ग टर्म व्यू देखें तो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का स्टॉक है। अगर हमने स्विंग ट्रेड के लिए देखें तो लेवल क्या होंगे उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो देखिए एनालिसिस बात कर देखिए, लगभग 79 का लो था 9 सितंबर को, और 31 अगस्त देखिए 91.75 का हाई है। तो वॉल्यूम उतने थोड़ी कंडक्शन आए हैं स्टॉक में, और स्टॉक की बात की अगर कोविड की वजह से वो स्टॉक इंपैक्ट में है, नहीं तो आज स्टॉक 200 के ऊपर रहता। जी हाँ दोस्तों, मार्च से ही गिरावट शुरू है स्टॉक में, और कोविड की वजह से थोड़ा स्टॉक इंपैक्ट आया है। अब जैसे जैसे अनलॉक की प्रक्रिया चालू होगी उस तरह स्टॉक में बढ़त देखने को मिलेगा। आप लोग चाहे तो इसको होल्ड कीजिए, बाय कीजिए, मैं तो यही कहूँगा। स्टॉक में तो कोई खराबी नहीं है, मेरे जो एनालिसिस से बात कर रहे हैं। और देखिए स्टॉक की इनकम की बात की देखिए, स्टॉक मार्च में देखिए PBT नेट प्रॉफिट देखिए माइनस में था, वहीं पे देखिए जून में अगर स्टॉक में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। स्टॉक की ओवरऑल परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत अब ग्रोथ की ओर बढ़ रहा है स्टॉक, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो स्टॉक का यही कहूँगा, आप लोग होल्ड कीजिए, कुछ कुछ क्वांटिटी आप लोग ज़रूर बाई कीजिए, अच्छे अच्छे से क्वालिटी स्टॉक में ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना ज़रूरी रहता है। और स्टॉक की डिलीवरी क्वांटिटी देखिए उतना खास नहीं है अभी तक, लगभग 15% का डिलीवरी क्वांटिटी देखने को मिल रहा है, उतनी भी खास नहीं है। तो लेवल महत्वपूर्ण रहता है हर एक बिगिनर, हर एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए। आप लोग को बल्क बाइंग तो बिल्कुल ही नहीं करना है, मेरे बताए गए जो लेवल दूंगा आप लोग को वही लेवल को देखना है, ध्यान से परखना है। सपोर्ट पर बाइंग होती है और रेजिस्टेंस पर सेलिंग होता है, ये लेवल आपको ध्यान रखना होता है। तो वॉल्यूम की बात करते हैं, लगभग देखिए 17,000 करोड़ के आसपास वॉल्यूम देखने को मिल रहा था। और स्टॉक की बेसिक चार्ट देखें तो हम लोग देख सकते हैं ऑलमोस्ट स्टॉक में एक शार्प करेक्शन आया, देन वही से स्टॉक में एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। और टेक्निकल बैठ के देखिए टेक्निकल ऑलमोस्ट सारे इंडिकेटर बेयरिश सिग्नल दे रहा है, कोई भी बुलिश सिग्नल नहीं है। और लगभग 5 दिन के अंदर ही बुलिश सिग्नल, सारे इंडिकेटर बेयरिश सिग्नल दे रहा है। और देखिए शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म सारे इंडिकेटर बेयरिश है। और देखिए RSI की बात करें, RSI बेयरिश है, MACD बेयरिश है, एस्ट्रोजेस बेयरिश है, तो ओवरऑल ऑर्डर इंडिकेटर बेयरिश है। तो अभी मोमेंटम अभी आया नहीं है स्टॉक में, तो आप लोग को लेवल में अगर चाहे तो आप लोग पड़ख सकते हैं, स्टॉक में एक नज़र बनाए रख सकते हैं। तो स्टॉक की टेक्निकल चार्ट देखिए टेक्निकल चार्ट जो ये जो ग्रीन लाइन है ये मेरा सुपर ट्रेंड की ओर सिग्नल दे रहा है। तो रेड लाइन जो था वहीं पर कारशन देखने को मिल रहा था स्टॉक में, वहीं से जब तक स्टॉक ये ग्रीन लाइन के ऊपर है तब तक स्टॉक में मान लीजिए एक शार्प बुलिश मोमेंटम बनने को देखने को मिल सकता है आप लोग को। तो सही लेवल को ध्यान रखना है आप लोग को। देखिए जब तक स्टॉक अभी 82 के ऊपर है तब तक इसमें पॉजिटिवनेस बरकरार है, अगर स्टॉक इस नीचे जाता तब आपको सेलिंग का सिग्नल देखने को मिलेगा। और पिवट लेवल की बात की जाए तो देखिए 83-84 का ऐसा पिवट लेवल बन के आ रहा है, और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस तो आप लोग को मालूम ही होगा। तो स्टॉक में अभी थोड़ी बहुत सिग्नल दे रहा है, तो आपको लेवल से परखना जरूर होता है कहाँ पे बाइंग हो कहाँ पे सेलिंग होगा। तो लेवल देखिए, लेवल जो निकल के आ रहा है पिवट लेवल 83 है अगर है, अगर स्टॉक 83 के ऊपर रहता है तो आप लोग को 84-85-86 देन 87 देन 89 ये लेवल आपको देखने को मिल सकता है। हाँ दोस्तों, और सपोर्ट की बात करें सपोर्ट देखिए 82-81-80 ये सपोर्ट महत्वपूर्ण रहेगा आप लोग के लिए अगर स्टॉक इसके नीचे चलता है। तो सपोर्ट का आपको ध्यान से परखना है, ठीक है। और देखिए मार्केट कैपिटल की बात की देखिए मार्केट कैपिटल ऑलमोस्ट 78,000 करोड़ का आसपास मेंटेन कैपिटल है, बुक वैल्यू देखिए 99 के आसपास है, डिविडेंड देखिए 42.50 है। तो ओवरऑल स्टॉक गुड है, कोई खराबी नहीं है स्टॉक में। और फोरम की बात की देखिए 64% हैव टू हैव सजेस्टेड टू बाय दिस स्टॉक, 27% ऑल्सो सेल, और 9% होल्डिंग में दे रहा है।
और स्टॉक होल्डिंग की बटन की बात करें, देखिए प्लेज में है, कमोडर प्लेज में है, देखिए 51.5 स्टेक है, एफआई के पास कोई भी स्टेक नहीं है, टोटल डीआई के पास देखिए 6.33 और फिनेंशियल देखिए 37.26, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के देखने को मिल रहा है। इंश्योरेंस कंपनी भी यहाँ पे स्टॉक उठा कर रखा है 0.22%, का म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पे स्टॉक उठा कर रखा है 7.13%, का अदर्स डीआई की बात करें 6.51, तो अदर्स डीआई की बात की जाए 0.35, तो ओवरऑल स्टॉक 100% है। तो सारे कुछ कुछ क्वांटिटी देख के रखे हैं बड़े बड़े इन्वेस्टर ने, और कंपनी की रिव्यू देख सकते हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इंडियन फ्लैगशिप नेशनल ऑयल कंपनी है, डाउन स्ट्रीम पेट्रोलियम मेजर, द कंपनी ऑपरेट द लार्जेस्ट एंड वाइडेस्ट नेटवर्क ऑफ पेट्रोलियम स्टेशन, इट इज़ वेरी इंप्रेसिव। तो कंपनी कोई खराबी नहीं है, कंपनी ओवरऑल अच्छा ही है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़